हेलो एवरीवन, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारा पेरिस का फैमिली ट्रिप जो कुछ अराउंड 4 डेज़ के लिए था। और सबसे पहले दिन जो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे एक बहुत ही अच्छे लोकेशन में, पूरा ही आप देख सकते हैं कि एकदम एक टाउन सेंटर है यहाँ पे, बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बेसिकली पूरा एक वॉकिंग एरिया है यहाँ पे, मॉल्स भी हैं। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पेरिस का जो ओलंपिक्स है वो यहाँ पे हेल्ड होने वाला है, तो आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ है पेरिस 2024। एंड डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ये चीज़ देख के, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कोई लोकेशन देखी थी जहाँ पे ओलंपिक्स हेल्ड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग थोड़ा देर अपना टाइम हमने स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा ग्रीनरी था, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और इसके बाद हमने एक पास के ही रेस्टोरेंट में अपना डिनर किया और घर वापस चले गए। दूसरे दिन का ट्रिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो था डिज्नीलैंड पेरिस। जो भी फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम हो, अगर आपके पास बच्चे हैं तो डिज्नीलैंड इज़ समथिंग जो हम लोग कभी भी हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। डेफिनेटली डिज्नीलैंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने अपना बुकिंग किया था लंदन से ही, एंड डेफिनेट मैं बुकिंग की इंफॉर्मेशन हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और हमने दूसरी बार अपना ये ट्रिप किया था डिज्नीलैंड में, एंड I can tell you, हम लोग कभी भी दोनों बार हमने पूरा डिज्नीलैंड घूमा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्यूट टाइम हो जाता है, ऑब्वियसली हम लोग बहुत थक जाते हैं। इफ़ पॉसिबल अगर आप लोग स्पेंड कर सकते हैं तो डिज्नीलैंड के आसपास ही है, फिर डिज्नीलैंड में भी आई थिंक ऑप्शंस हैं कि हम लोग एक नाइट में स्टे कर सकते हैं, सो दैट हम लोग दो जो इनके प्लेसेस होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और ऑब्वियसली डिज्नीलैंड का अपना एरिया जहाँ पे बहुत सारे राइड्स होते हैं, हम लोग घूम सकते हैं। बट यस, अगर आप लोग एक 3-4 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिज्नीलैंड को पूरा घूमना। पर जो भी हो, डिज्नीलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत टायरिंग भी हो गया था क्योंकि क्यू में हमें बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कभी कभी क्यू लग जाता है, तो हम अपना राइड्स उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स डिज्नीलैंड में ऐसे हमने शायद कुछ 3-4 राइड्स ही किए होंगे पूरे दिन में, और ये एक राइड था कार ड्राइविंग का। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया बच्चों के साथ। 2-सीटर कार है ये, और ये हूँ मैं यहाँ पे, और सिर्फ ये एक ही वीडियो में मैं अपने आप को यहाँ पे दिखा पा रही हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एक मस्ट विज़िट राइड है ये स्मॉल्ट वर्ल्ड करके, बहुत ही अच्छा राइड है ये। और बस आपको अंदर, आपको पानी के ऊपर फ्लोट होते हुए एक बोट के ऐसा जाता है, एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें उन्होंने बनाया है बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही अच्छा था ये दिखने में, एंड दिस इज़ अ मस्ट विज़िट। और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि इनके पास जो बोट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकता है। सो दिस वन डेफिनेटली, और ये सेकेंड टाइम हम लोग स्मॉल वर्ल्ड, एक्चुअली स्मॉल वर्ल्ड हमने विजिट किया।
फ्रेंड्स अनदर बेस्ट विजिटिंग वाला जो राइड है वो है पायरेट का, वो भी बहुत ही फन फिल्ड राइड है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। डेफिनेटली अ मस्ट विजिट राइड। फिर फ्रेंड्स रात में ना यूजुअली 9:30 के बाद यहाँ पे बहुत ही फेमस इन लोगों का फायर वर्क्स होता है। जो प्लान हमारा वही था देखने का, लेकिन हमारा ये पूरा पूरा प्लान डिज्नीलैंड का अब्रप्टली चेंज हो चुका। वाई? बिकॉज ऑफ द रेन। तो फिर फ्रेंड्स मैं आपसे थर्ड डे का आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये है लोवरे म्यूज़ियम, जो बहुत ही फेमस प्लेस है पेरिस में घूमने के लिए एंड डेफिनेटली अ मस्ट विज़िट। आप लोग चाहे तो म्यूज़ियम के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने अंदर जाना अवॉइड किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बाहर से इस तरीके से हम लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं।
और फिर हम लोग आ गए हैं पेरिस के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, जो है आईफल टावर, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये है डेलाइट का फ़ोटोग्राफ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग चले गए थे बोटिंग करने के लिए, जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में। और उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा खा लेंगे। और पेरिस में या फिर फ्रांस में आप कहीं भी जाओ तो क्रेप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट ट्राई। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 आवर का पूरा जर्नी था बोट राइड। और इसके लिए ऑब्वियसली हमें टिकट्स अलग से बुक करना होता है और फिर हम लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से, हमें सब कुछ ऑलमोस्ट दिख रहा था पेरिस का। एंड वैसे लंदन भी हम लोग इसी तरीके से घूम चुके हैं, तो लंदन और पेरिस में बोटिंग में मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था, सेम चीज़ दिख रहा था, बहुत सारे ब्रिजेस थे, बट इट वॉज़ क्वाइट फन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आईफिल टावर का रात का व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था दिखने में। और लास्ट टाइम जो हमने पेरिस विजिट किया था, तो हमने आईफिल टावर को रात में नहीं देखा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस। रात में तो डेफिनेटली जाइए। और फिर डिनर टाइम ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके थे, तो हमने सोचा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आईफिल टावर के पास ही एक रेस्टोरेंट था, हम वहीं पे चले गए। लेकिन ट्रस्ट मी, ये वाला जो रेस्टोरेंट था अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। और फिर हमने लिया मेट्रो और सीधा चले गए अपने घर। तो फ्रेंड्स, फाइनल डे के दिन हम लोग आ गए थे बहुत ही फेमस लोकेशन, जिसको कहा जाता है, इसका नाम मोमार्टे। आई थिंक बवाल मूवी, जो एक बॉलीवुड हिंदी मूवी है, उसका शूटिंग भी यहीं हुआ था। तो मेरे पास उसका कोई क्लिप नहीं है यहाँ पे ऐड करने के लिए, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली डन इट। और फिर ऊपर में थोड़ा ऊपर हाई लोकेशन पे है ये, मतलब थोड़ा हिली साइड में आता है ये, तो हम लोग ऑब्वियसली ये जो फनिकुलर होता है उसमें चढ़ के जाना होता है। तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिप था डेफिनेटली। और हम लोग ऊपर पहुंचने के बाद का व्यू मैं आपसे अब शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेरिस आपको यहां से दिख रहा है, एंड बहुत ही अमेजिंग व्यू था। आई थिंक वीडियो में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाया है, बट इन पर्सन जब हमने देखा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था हमें। इसी प्लेस में हमने एक सोवेनियर भी ख़रीदा है, जो एक म्यूज़िक, अपना अपना पसंद का म्यूज़िक आप लोग लोड कर सकते हैं इसमें, और फिर लोड किया हुआ भी मिलता है बेसिकली। तो हमें चाहिए था हैरी पॉटर, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप थे, लेकिन एक ही शॉप में मुझे हैरी पॉटर वाला म्यूज़िक मिला, तो हमने वो वाला म्यूज़िक हमने ले लिया। एंड देन वी आर हेडिंग बैक, और रास्ते में हमने थोड़े से आइसक्रीम खाए हैं, थोड़ा शॉपिंग भी किया, जो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों से अब शेयर करूँगी। Thank you.
तो फ्रेंड्स अब है हमारा लास्ट डे। अब पेरिस को बाय बाय बोल के हम लोग चले गए हैं एयरपोर्ट की तरफ और सीधा चले जाएंगे लंदन। तो फ्रेंड्स वीडियो अब मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू, बाय बाय।